हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल साइंस बुक, गुजरात बोर्ड, ग्रेड 10 से। ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कम्प्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। जो भी हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी मदद से चाहे पूरे तौर पे या आधे तौर पे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। बहुत सारी चीजें प्रकृति में मौजूद हैं, हर एक को हम संसाधन नहीं कह सकते। These elements can be called resources only when they are utilized by men through special knowledge and expertise. ये सारे elements resources तब कहलाते हैं जब इनका इस्तेमाल इंसान द्वारा किया जाता है अपनी सूझबूझ के साथ या जो उसमें कुशलता है उसके साथ। In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. दूसरे शब्दों में कहें तो वो चीजें जिसपे इंसान निर्भर करता है, ऐसी इंसान की जरूरतें जो इन चीजों से पूरी होती हैं, या फिर इंसान के पास इतनी फिजिकल और मानसिक जैसे कहना चाहिए क्षमता है कि वो इनका इस्तेमाल कर सके, उसको कहते हैं हम रिसोर्सेज। इन दिस वे एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्स। कोई भी चीज जो इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड, सो दीज वर नॉट द रिसोर्सेज एट दैट टाइम। But today, these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. पहले जमाने में क्या था? इंसान को पता नहीं था कि जो जमीन में minerals दबे हैं उनकी क्या value है, तो उसलिए उनके लिए वो resources नहीं थे। लेकिन आज की date में यही minerals बहुत ज्यादा काम आते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल होता है और जिस तरह से develop हो गई है techniques mining की, उससे minerals जो है निकालने में बहुत आसानी रहती है। The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उनके में गुण होते हैं इस्तेमाल करने के भी और काम आने के भी। द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ द थ्री, नेचर, मैन एंड द कल्चर। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये तीन चीजों से एक तरह से मिलकर बने होते हैं, नेचर, मैन और इंटरैक्शन। अब है यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। कई तरीकों से ये हमारे लिए एक तरह से यूजफुल साबित होते हैं। वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या इसका रोल है, ये हम हर स्टेज पर ह्यूमन लाइफ की एक तरह से सीखते हैं। ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी हमारी गतिविधि हो, खेती बाड़ी से लेके इंडस्ट्रीज तक, सब कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। लेट अस नो मोर अबाउट इट। अब उसके बारे में और जानते हैं। पहला है रिसोर्स एज फूड। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज। बहुत सारी जो खाने की जरूरतें हैं इंसान की, वो मिलकर पूरी होती हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। Fruits grow naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its product, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as food item. अब जैसे फल जो प्राकृतिक तौर पर उगते हैं, बहुत सारे अनाज को खेती बाड़ी में बोया जाता है, उससे हमें प्राप्ति होती है, मिल्क उसके प्रोडक्ट, या फिर जो मीट हमें पालतू जानवर होते हैं या फिर फिश है या और जानवर पानी के हैं उनसे जो है और मिलता है, जो कि रिजर्वायर्स में रहते हैं। इसी तरह से शहद जो है हमें हनी बीज से मिलता है। ये सब हमारे खाने के पदार्थों में इस्तेमाल होते हैं। रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल्स, हाइड्स एंड मीट्स अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल रोड्स एक्सेट्रा फॉर्म्स द रॉ मटेरियल ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी चीजें हैं जो जंगलों से, खेती बाड़ी से, वूल से, हाइट से, मीट से, इन सब से मिलती है, जानवरों से, मिनरल ओर से, ये सब जो है इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं। रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। अब जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सब का तो इस्तेमाल है, वो ईंधन के तौर पर किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। बिसाइड्स, energy can be generated through solar insulation, wind, sea waves, tides and ebbs, and waterfalls, etc. इसके अलावा एनर्जी जो है वो जनरेट करी जाती है सोलर इंसुलेशन से, विंड से, सी वेव से, टाइड से, एब से। एब ज्यादातर बोलते हैं पानी का पीछे जाना या जमीन से थोड़ा सा पीछे हटना, और वाटरफॉल से। फिर होते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब हम रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, on the basis of re-availability, on the basis of distribution centers.
एक ओनरशिप के बेसिस पे, एक उनकी दोबारा से अवेलेबिलिटी हो उसके बेसिस पे, और एक उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है उस बेसिस पे। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ ओनरशिप के बेसिस पे जो रिसोर्सेज है वो बताए गए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस टेबल। अब इस टेबल के थ्रू जानते हैं। ओनरशिप में पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, जो कि किसी इंडिविजुअल या फैमिली द्वारा ओन किया जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये हो गए। दूसरा है नेशनल रिसोर्स, ये कंट्री का होता है, ये किसी रीजन का, इसमें आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब आ गए। और थर्ड है ग्लोबल रिसोर्स, जितने भी फिजिकल नॉन फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें रिसोर्सेज आते हैं कॉमन ओनरशिप के, सारे नेशंस जितने भी दुनिया के हैं उसके। अब रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोस ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर देखें, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। अब यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्या होते हैं? यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गई। इसी तरह से जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो आसानी से अवेलेबल हों, लैंड, सॉइल, वाटर, पैस्चर लैंड, ये सब। फिर रेयर रिसोर्सेज होते हैं, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, कुछ खास जगहों पर ही जो पाए जाते हैं, जैसे मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये हो गए। और सॉलिटरी रिसोर्सेज, जो खाली एक या दो प्लेसेस पे पाए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्रायोलाइट है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही पाया जाता है। यू कुड अंडरस्टैंड डिटेल्स ऑफ टू टाइप्स। Resources can be classified by other methods also, whereas in they can be classified into two types as renewable and non-renewable resources. अब आप दो के details समझ सकते हैं। Resources जो हैं और भी methods से classify किए जाते हैं, जिसमें आता है एक renewable और non-renewable resources. Some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो दोबारा डेवलप कर लेते हैं अपने को समय के साथ साथ, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो कभी खत्म नहीं होते। सोलर इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सब जो है इस कैटेगरी में आते हैं। दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैनॉट बी रीयूज्ड वंस दे आर यूज्ड, और दे कैनॉट बी रिप्रोड्यूस्ड, और दे कैनॉट बी रिफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, एक बार उनका इस्तेमाल हो गया, दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, दोबारा अपने आप को फिर से रिफॉर्म नहीं कर सकते भविष्य में। मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दीज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो इंसान की जरूरतें हैं वो असीमित हैं, लेकिन संसाधन तो सीमित हैं। ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. पिछले 100 सालों में अगर देखें तो ये जो resources हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो बहुत extraordinary development हो रहा है science में, technology की field में, साथ ही साथ population का जैसे blast हो गया है, बहुत population बढ़ती जा रही है। Severe implications have been to be experienced in future. और इसी तरीके का हमको भविष्य में भी देखने को मिल सकता है if a serious thought is not given to this matter. आज अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में भी हमको बहुत देखने को मिलेगा कि साधनों की कमी हो गई। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको कंजर्व करके रखा जाए। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज्ड रैशनली। सुरक्षित रखो, संभाल के रखो, इन रिसोर्सेज को बचा के रखो और सही तरीके से इस्तेमाल करो। The word conservation is directly related to the scarcity of resources. जो word conservation है, ये सीधा-सीधा relation है इसका कि resources की कमी। If the resources are exploited at the current rate, where they're exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. अगर जिस तरह से resources का शोषण किया जा रहा है, जिस rate पे इस वक्त करा जा रहा है, और बिना किसी सोचे समझे इनका इस तरह से exploitation चलता रहा, बिना सोचे समझे लापरवाही के इनका इस्तेमाल होता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ सपना ही रह जाएगा कि हम development या maintain कर पाए current lifestyle को। It includes things like rational usage, conservation and reusage. इसमें जो चीज़ें आती हैं वो सही तरीके पर इस्तेमाल, उसको संरक्षित करना और दोबारा इस्तेमाल करना। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation. जब भी किसी पेड़ की जिंदगी पे या इंसान की जिंदगी पे उसके होने पे खतरा होता है, मतलब उसकी जिंदगी को इतना बड़ा खतरा हो गया है कि वो कहीं खत्म ना हो जाए, तो ऐसे में अरेंजमेंट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। Let us understand the planning and conservation of resources in detail. अब इनको डिटेल में जानते हैं। First of all, gather information about the availability of utilized
अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हासिल करो कि इस्तेमाल किए जाने वाले, बिना इस्तेमाल किए जाने वाले, ये कभी कदार जो रिसोर्सेज किसी क्षेत्र में है, कंट्री में है, उनकी कितनी मात्रा है, उसके बारे में जानकारी करो। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू यूज देम। जिन रिसोर्सेज को हम कहते हैं सीमित हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको सिर्फ साइंटिफिकली तौर पर इस्तेमाल करो और तभी इस्तेमाल करो जब जरूरी है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच दे कैन बी इंक्रीज। कोशिश करो ऐसे रिसोर्सेज को ज्यादा डेवलप करो जिनकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर इजिली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। जो रिसोर्सेज सस्ते हैं, आसानी से अवेलेबल हैं, उन्हें वेस्ट मत करो, बट इंस्टेड दे शुड बी स्पेरिंगली यूज फॉर फ्यूचर यूज। उनको भी क्या कहते हैं, संभाल के इस्तेमाल करो क्योंकि भविष्य में भी उनको यूज करना पड़ सकता है। दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। जो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए। फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। और उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाएं, ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाएं, जो कि बहुत कारगर होंगे अगर हम टेक्निकल डेवलपमेंट की मदद लें तो लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। जरूरी कानून बनाए जाए जिसकी मदद से जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाए और इन कानूनों को स्ट्रिक्टली से लागू किया जाए। सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड विद ऑल द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद रैशनल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड अ पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टीवेटेड। जो सिटीजन्स हैं उनको सब जानकारी होनी चाहिए कि रेशनल यूसेज करना है रिसोर्सेज का, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लापरवाही से नहीं करना है, और पब्लिक में जागरूकता जो है और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। अब है सॉइल फॉर्मेशन। Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as the soil. वो सतह धरती की जिस पर जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, जो वेजिटेशन उगती है उसे कहते हैं soil. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. अब soil एक बहुत पतली सतह है, एक layer है जिस पर बहुत सारे elements जो हैं surface के होते हैं. Minerals, humidity, humus and air are mixed up in it. अब मिनरल्स हो गए, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है, एयर है, ये सब इस मिट्टी में मिले हुए होते हैं। द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल। जो पेरेंटल रॉक्स होती हैं, वो सॉइल के नीचे होती हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डिनंडेशन। अब सॉइल कैसे बनती है, उस मटेरियल की वजह से जो कि डिनंडेशन से होता है, यानी डिनंडेशन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो सरफेस है अर्थ की वो उसकी वेयरिंग होती है, वो चीजें उसमें से उखड़ती हैं। Biotic remnants, humidity and air get mixed up with it. इसमें biotic जो अवशेष है, जो humidity है, जो air है, वो सब इसमें mix हो जाती है. In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो soil जो है एक ऐसा natural mixture है minerals का और biotic elements का जिसके पर capacity है कि वो grow कर सके और उसमें जो है vegetation उग सके। अब है सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज सॉइल विच कंटेन्स मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की उसे हम सॉइल बोलते हैं। उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत जरूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वेजिटेशन की। ऑल्दो देयर प्रोपोर्शन इज नॉट सेम एवरीवेयर। हर जगह इसकी जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं होता। Thus the soil is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. तो हम कह सकते हैं कि soil जो है वो layer है surface की, या matter की वो layer है या surface है जो कि बनता है उस mixture से जो कि बिखरा हुआ material है और parental rocks का या vegetation का। Factors of denudation prepare very thin layer due to the denudation of rocks. जो factors होते हैं denudation के वो बहुत ही थिन लेयर को प्रिपेयर करते हैं डिनंडेशन जो रॉक्स का होता है उसकी वजह से। द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट्स इज एडेड टू इट। अब जो ह्यूमस बनता है यानी कि जो वेजिटेशन है या जो इंसेक्ट्स है वो सड़ जाते हैं मरने के बाद, वो सब इसमें एड हो जाते हैं। दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी बायोटिक एलिमेंट्स वेजिटेशन के डेवलपमेंट।
The climatic impact of the in the duration of the soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same. जो क्लाइमेटिक असर पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन के दौरान वो इतना महत्वपूर्ण होता है और इतना ज्यादा होता है कि जो सॉइल फॉर्म होती है अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स की उस एरिया में बहुत लंबे समय से वो सेम होती है. सो द सॉइल फॉर्म आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट. तो वो जो मिट्टी बनती है सेम पेरेंटल रॉक्स की पर अलग अलग क्लाइमेट के प्रभाव से वो अलग होती है. Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rock structure, humus, etc. अब soils को जो classify किया जाता है वो करते हैं उनके basis पे कि color, climate, parental rock structure, humus कैसा है.